आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ, जहां पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए आरपीएन सिंह के आने पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ आज आरपीएन सिंह भाजपा का दामन थाम लिए हैं, तो वहीं सत्ता के गलियारे में कहा जा रहा है कि ये पडवाना की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कार्ड ढूंढ लिया गया। क्या कहेंगे सब इस पे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत मुगालते में जी रही है। जिस आरपीएन सिंह को तोड़ समझ रहे हैं वो तमंचा भी नहीं साबित होगा। इसके पहले भी कई बार जोर आजमाइश कर चुके हैं, भिन्न भिन्न चेहरों को आगे करके भिन्न भिन्न मौके पर इनको मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल होगी। फिर भी स्वयं भी अगर प्रत्याशी बनते हैं तो पड़ोना की जनता इनको फिर से खारिज करेगी। अच्छा, वहीं आपके बेटे उत्कृष्ट मौर्या को उचाहार से टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या किसी अन्य सीट से उन्हें उतारा जा सकता है? देखिए, वहां पर वर्तमान में विधायक है और सेटिंग गेटिंग के फार्मूले पर विधायक को टिकट मिला है, इसलिए इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो चुनाव भी उसको वहीं लड़ना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं कि वो प्रदेश के कहीं और क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़े। लेकिन किस रूप में उनकी भूमिका होगी ये पार्टी तय करेगी, और जब तक कोई भूमिका नहीं तय होती कार्यकर्ता के रूप में वो काम करें। अच्छा, वहीं कुशीनगर में कहा जाता है कि आरपीएन सिंह ने काफी विकास किया है और काफी नाम है, तो क्या कड़ा मुकाबला होना, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, वो राजा हैं और पड़ोना की जनता ने कई बार उनको खारिज किया है। चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर जनता खारिज करेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसको उतारती है किसको नहीं उतारती है यह भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है, समाजवादी पार्टी का नहीं। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जीत हमारी ही होगी। अब मुकाबले में अगर देखा जाए तो आरपीएन सिंह की तरफ से कई बार इनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे गए, मगर जीत स्वामी प्रसाद मौर्य की ही हुई। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वही विधानसभा के चुनावी माहौल में रामनगरी अयोध्या में भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यहां से बीजेपी से प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने के बाद अब तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने भी ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो अयोध्या विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। टिकट न मिलने पर की दशा में निर्दलीय नामांकन कर चुनाव लड़ेंगे। संत समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु परमहंस दास ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। परमहंस दास ने कहा कि सीएम योगी के चुनाव न लड़ने पर अयोध्या के साधु संत निराश हैं। बीजेपी को अयोध्या से उचित जनप्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है। आज भारतीय संस्कृति अगर बची है तो साधु संतों और धर्माचार्यों के कारण बची हुई है। इसलिए जो हमारे साधु संत हैं, धर्माचार्य हैं अयोध्या के, उनको उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो तभी संभव होगा जब उस लेवल का कोई उस विचारधारा का कोई जनप्रतिनिधि होगा। इसलिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य ऐलान करता हूँ कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुझे टिकट देती है मैं मांगने नहीं जाऊंगा। मैं धर्माचार्य हूँ, हमसे आके पूछे लोग। हमने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया, हमने यहाँ से अंडा मांस मदिरा बंद कराया, हम लगातार जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए, गौ रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमसे पूछे, और नहीं अगर पूछेंगे तो हम मांगने नहीं जाएंगे। हम उस तरह भिखारी नहीं है, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
आगरा में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सूची जारी होने के बाद से ही प्रत्याशियों ने जनता के बीच अपनी पार्टी की घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। वहीं डॉक्टर मुकेश राजपूत ने विधानसभा के में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता का समर्थन पाने के लिए जुगत की है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, तो वहीं इसी की पड़ताल करने यहां हम फतेहपुर सीकरी विधानसभा में मौजूद हैं। मुकेश जी, तो हम उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह जनता का उन्हें सहयोग मिला है, क्या कुछ प्यार मिल रहा है उन्हें जनता का, और किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आए हैं और किन किन समस्याओं से निजात दिलाएंगे जनता को। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। सबसे पहले अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहन जी के आशीर्वाद से मैं अपनी विधानसभा में जनसंपर्क जो कर रहा हूं, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, किसानों के लिए नहर का है, बच्चों के लिए शिक्षा का है, रोजगार का है, चिकित्सा का है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और मेरी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में इतना विकास कराया है कि हर हर गांव में एक एक गांव में बहुजन समाज पार्टी का विकास है, इसको जनता जनार्दन कह रही है। वर्तमान सरकार के हालात आपने देखे ही हैं, इस सरकार में शिक्षा भी गई, रोजगार भी गई और विकास भी गया। हाँ, जनता से आपने जनसंपर्क किया, कैसा प्यार मिल रहा है, कितना रुझान है, कितना क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सर्व समाज का मेरे साथ पूरा सहयोग है और बहुजन समाज पार्टी की एक ही नीति है, सर्वनिष्ठा सर्व सुखाय है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है और करती आ रही है। जिस तरह मेरे साथ यहाँ मुकेश राजपूत जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा से जो प्रत्याशी थे और इन्होंने पूरा बताया कि जिस तरह जो जनता की परेशानियां जो समस्याएं उनसे हम निजात दिला। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने रैली निकालकर लोगों को मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को भी रवाना किया। मतदाता दिवस जनपद मथुरा में कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया गया। ये नेशनल वोटर्स डे प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और आज हमने अधिक से अधिक मतदान करने की जो है वो शपथ सभी लोगों ने ली। आगामी 10 फरवरी को जनपद मथुरा में सभी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होने हैं और उस दौरान सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और मतदान करें। साथ ही साथ विभिन्न प्रलोभनों से उठकर किसी भी धर्म जाति इत्यादि को एक तरफ रखकर और जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट लगे उसको निष्पक्ष एवं। वही कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा सीट पर सपा का प्रत्याशी घोषित होने पर घमासान मच गया है। सपा के यहां से अरविंद सिंह यादव को चौथी बार प्रत्याशी बनाया गया है, जिसे लेकर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे ताहिर हुसैन सिद्दीकी की बगावत पर भी वो उतर आए हैं। ताहिर के आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई थी। उनका कहना है कि सपा ने आखिरी वक्त तक टिकट देने का आश्वासन दिया और खास मौके पर धोखा देकर टिकट काट दिया। समर्थकों की भीड़ लगातार ताहिर हुसैन के समर्थन में नारे लगा रही थी। उनका कहना है कि समर्थकों की राय लेकर तय किया जाएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़े। पार्टी मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें बराबर आश्वासन दिया। पहले दिन से ही हमसे कहा कि छिबरामऊ तुम्हें लड़ाएंगे, तुम ही वहां से जीत सकते हो और तुम्हारी वजह से और भी हमारी सीटें जीतेंगी और हमें आश्वासन दिया। उसके बाद हमारे साथ धोखा किया और ये धोखा जनता के साथ किया गया है। तो चुनाव आप लड़ेंगे, मतलब क्या होगा? जनता का जो मशवरा होगा, जो राय होगी, जो राय बनेगी, जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़ो तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, जनता जिस पार्टी से कहेगी उस पार्टी से। वही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें कि इस अभियान में जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था, पर इस बार 100% मतदान कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर दिव्यांगों को भी शामिल किया गया और उन्हें मतदान देने के लिए प्रेरित किया गया।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का अवसर है और इस अवसर पर चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, इसलिए हमने सभी से अपील की है, शपथ भी दिलवाई है कि रायबरेली में लोकतंत्र को मजबूत करते हुए शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराएं। जैसा कि आप सभी का अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि रायबरेली जो में जो पिछले चुनाव हैं उनमें मतदाता प्रतिशत बहुत अधिक नहीं रहा है। तो ये हमारी सभी से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हम जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तभी हम एक शक्तिशाली लोकतंत्र की नींव। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर देश कल गणतंत्र दिवस के 73वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस मौके पर देशवासियों में हर्षोल्लास देखने के लिए मिलेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक ही रंग में रंगा नजर आता है। तो वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, तो विधानसभा को भी बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। इस मौके पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झंडारोहण करने वाली है। वहीं सेना और पुलिस के द्वारा अनेक तरह के करतब और प्रदर्शनियां भी दिखाई जाएंगी। वहीं बात की जाए बच्चों की, तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्कूली बच्चों को इस बार इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा पे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं विधानसभा को कल 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगों से पूरे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और वहीं अगर बात करें तो कल सुबह 73वें गणतंत्र दिवस पे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल सुबह यहाँ ध्वजारोहण करेंगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और जो आर्मी के जवान होंगे उनके तरफ से यहाँ कर्तव्य दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ मानव श्रृंखला के रूप में पिरामिड भी बनाई जाएगी। अब और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस बार कोविड को देखते हुए स्कूली बच्चों की जो परेड होती थी, जो मार्च पास्ट होती थी, पूरी तरह से रोक लगाया गया। अब कोविड नियमों को देखते हुए पूरी 2 गज दूरी के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जाएगा। ठीक पीछे लोक भवन है जो आप देख सकते हैं, उसको भी तिरंगे से सजाया जा रहा है। अब वहीं बात करें तो ये सुबह के समय पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और आर्मी के जवान यहां कर्तव्य और ऐसी कई सारी झांकियां बनाई जाएंगी जिसमें गणतंत्र दिवस को दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वहीं बुलंदशहर में शिवसेना उम्मीदवार भगवान शर्मा का नामांकन खारिज कर दिया गया है। भगवान शर्मा का पर्चा खारिज होने की वजह से समर्थित दल का भी संकलन ना होने के कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्चा खारिज होने से कैंडिडेट और उसके समर्थकों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। नामांकन रद्द होने पर भगवान शर्मा कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह पर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया गया है। अब भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप सब भली बात ही जानते हैं मैं इतना बेवकूफ नहीं था, क्योंकि पूरी बीजेपी ने, पूरी सरकार ने और राजू भैया ने मिल करके मेरे साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है मेरे साथ, नाइंसाफी की है मेरे साथ, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, शिवसेना के साथ, मेरे साथ नाइंसाफी की है पूरी बीजेपी सरकार ने। अब आपका नामांकन खारिज होने के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति? मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा न्याय के लिए, किसी भी चौकट तक जाना पड़े मैं जाऊंगा और न्याय के लिए मैं दोबारा लौट के आऊंगा। दुबई की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मैं दुबई को मां मानता हूं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार प्रताड़ित कर रही है, हर तरह से बस हमको तोड़ा जा रहा है, जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे पति की डेथ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, हम दर दर भटक रहे हैं पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। हमारे घर में गुंडे भेजे जाते हैं, हम लोग को डराया जाता है। हमारे आस पड़ोस से आप पूछिए, हम 3 से 4 महीना गायब रहे हैं यहाँ से। हम लोग को इतना डराया, मगर हमारे कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसे आप डरोगे सरकार से तो कभी आप मुंह नहीं खोल पाओगे, आप लोग या तो आत्महत्या कर लोगे। हम लोग अगर बन बन हम लोग भटकते है, ये क्या करते थे गुंडे का आप डराते थे हम लोग को आगे की तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। क्या नहीं मुंह खोलना है कि आपको कुछ बोलना नहीं, इनकाउंटर के विषय में कुछ बात नहीं करनी है आपको। किससे नहीं बात करते, ऐसा क्या जानती हैं आप जो आपको नहीं पता? इनकाउंटर में मुझे सब कुछ पता है कि मेरे पति की गलत तरीके से हत्या की गई है। इसका मैंने बहुत विरोध भी किया, मैंने लिखित मेरे अधिवक्ता ने भी वहां न्याय आयोग में भेजा, पर उसका कोई भी नहीं मुझे मिला। और दूसरे दिन मुझ पे नेक्स्ट सिम का केस लगा दिया गया। कोई शासन, कोई प्रशासन मेरी कुछ नहीं सुन रहा है। हम लोग भटक रहे हैं, बनमन अपनी जीविकोपार्जन के लिए इतना परेशान है, ये मान के चलिए कि हमारे खेतों में अनाज हो रहे हैं पर वो बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि वो विकास दुबे के घर में ना आ जाए तो वो खरीदे नहीं। वहीं फतेहपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंटर कॉलेज में अध्यापकों के साथ छात्र और छात्राएं पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर अध्यापकों ने मतदाता दिवस पर छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। शपथ लेते हुए कहा गया कि सभी लोग अपने लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखेंगे और अपने मतदान का सही प्रयोग करेंगे। ये शपथ हथगाम ब्लॉक के छिवलाहा ब्लॉक स्थित जनता इंटर कॉलेज में मतदाता दिवस पर ली गई। वही फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने दुकानों से जबरदस्ती तमंचे के बल पर खरीदारी कर पैसे न देने और डकैती की योजना बनाने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान काशीराम कॉलोनी चौराहे के पास से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है। यह प्रकरण थाना सिकोहाबाद से संबंधित है, जहां इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह की टीम ने एक सफलता प्राप्त की है। एक व्यापारी से दुकान के अंदर घुस के और उसको बेवकूफ बना के पहले कुछ कपड़े लिए इन्होंने, बाहर आके आतंकित करके वो कपड़े लेके भाग गए थे। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। इसमें 5 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनकी निशानदेही पे संपूर्ण माल बरामद हुआ है और 4 अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं, 9 कारतूस बरामद हुए हैं इनके साथ। वहीं संभल में वोट मांगने गए बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। दरअसल असमौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को ग्रामवासियों ने खरी खोटी सुनाई। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को ग्रामवासियों ने दौड़ाया। इस हंगामे को लेकर किसानों का आरोप है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा ने गोलियां चलाई और सड़कों पर कीले लगाई थी। भाजपा प्रत्याशी के सामने ग्रामवासियों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। फिरोजाबाद में अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़े पैमाने पर असलाहों की सप्लाई करने में लगे हुए थे। ये थाना एका के अंतर्गत नगला कुंड गांव से थाना प्रभारी एका और उनकी टीम के द्वारा 2 अभियुक्त क्रमशः मनोज और सद्दाम पारम के रहने वाले हैं, पकड़े गए हैं। इनके पास से 7 बने तमंचे, 2 अधबने तमंचे और तमंचा बनाने के बहुत सारी सामग्री मय मशीन के बरामद की गई है। और इसके बारे में सूचना मिली थी थाना प्रभारी एका को कि कुछ लड़के तमंचा बेचने का काम करते हैं। इस सूचना के आधार पर टीम बनाकर ये लगे और ये उपलब्धि के रूप में चीजें सामने आई हैं। मैनपुरी में नगर भोगांव के चुंगी के पास टायर के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। पीड़ित ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने घटना की तहरीर थाना पुलिस को भी दी। अगली खबर देवरिया से है, जहां एक युवती 15 जनवरी को घर से बिना बताए गायब हो गई थी। परिजनों को इसकी जानकारी होते हुए पुलिस को सूचना दी गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बता दें कि लगभग 12 दिनों से युवती का कोई पता नहीं है। युवती के भाई ने बताया कि मैं 12 दिनों से लगातार दरोगा को फोन कर रहा हूं, पर पुलिस मामले में सुनवाई नहीं कर रही है। सर, मेरी बहन 15 तारीख से घर से भाग गई है। इसी के सिलसिले में हम लोग थाने पे आ रहे हैं, FIR भी दर्ज है गुमशुदा का, और जो जिसके अंदर में हमारा केस चल रहा है, जो दरोगा साहब है उनको कॉल भी किया जा रहा है, वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। अब अभी आज 9 दिन हो गया, कुछ भी हमको यानी सूचना नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और सर्विलांस में नंबर भी डाल दिया गया उनके सामने, वो पेपर में लिखित दिए भी है, लेकिन अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। सर, अभी हम लोग क्या करें आप ही बताइए। हम थाना में आई बनी साहब, हम रोज बराबर थाना में आवत रहते हैं डेली। क्या हुआ? हमारे लड़की भाग गई है। कौन लेके भागा? मुकेश नाम का लड़का। क्या लगता है लड़की का? वो लड़की के मामा लगता है। अब पुलिस बोल रहा है ठीक है, हम लोग खोजेंगे, अभी तक ले नहीं खोजा तो हम लोग। रायबरेली नसीराबाद थाने में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल पुलिस ने महज 10 और 12 साल के बच्चों का कुंडा एक्ट में चालान कर दिया। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए सलोन SDM ने बताया कि इस मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है। वहीं बच्चे के ऊपर लगाया गया कुंडा एक्ट भी निरस्त किया गया।
बदायूं थाना सहसवान के गांव भवानीपुर खली रोड पर बीते दिनों महावा हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की लाइसेंसी बंदूक चोरी हो गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि दोनों ने चोरी की बंदूक 1500 रुपए में बेच दी थी। जनपद बदायूं के सहसवान थाना अंतर्गत सहसवान में महावा हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड की 6 नवम्बर 2021 को उसकी DBBL गन चोरी हो गई थी। एक व्यक्ति जो ओमपाल नाम के व्यक्ति ने इस बंदूक को चुरा करके वहीं पास के ही वाजिदपुर के निवासी मान सिंह को बेच दी थी। दोनों अभियुक्तों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी गई जो DBBL गन थी और उसके 14 कारतूस थे वो रिकवर कर लिए गए हैं। सहसवान की जो टीम है उसको मेरे द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 5000 रुपये की कैश अवार्ड देने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं। अगली खबर बलिया से है, जहां पर मनियर थाना क्षेत्र के लोहटा गांव सेमरा बाबा के पास 35 वर्षीय युवक का शव गेहूं के खेत में बरामद हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी है। अज्ञात एक लाश पड़ी थी, सूचना मिला, हम लोग आए देखा तो ऐसे सामने ये मैटर था। अच्छा, ये कहाँ की लाश है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर। कुछ पता, अज्ञात लाश है? अज्ञात लाश है। और क्या है, देखने से क्या लग रहा है इस लाश को? देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे कि चेहरे बुरी तरीके से काट दिया गया, जख्मी। वहीं देवरिया में बाइक सवार दो बदमाशों ने गीता ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये सारा षड्यंत्र दुकान के स्वामी सूरज वर्मा और उनके सगे भाई अजय वर्मा ने कर्ज में डूबकर झूठा लूट का षड्यंत्र रचा था। बता दें कि पुलिस के इस बात का खुलासा करने पर यह पता चला है कि दोनों सगे भाई लगभग 20 से 25 लाख रुपए उधारी में चल रहे थे। इसी का फायदा उठाकर दोनों भाइयों ने पुलिस को गुमराह करके झूठी वारदात को अंजाम दिया। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने लूट का बरामद करके 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पुलिस ने जो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि ये घटना इन्हीं के द्वारा, जो इसके वादी हैं उनके द्वारा कराई गई है, क्योंकि इनके ऊपर लगभग 32 लाख की देनदारी थी, अतः इन्होंने बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बता दिया कि 32 लाख की लूट हुई है। इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूरा माल बरामद किया गया है। यह लूट वस्तुतः 13.5 लाख या 14 लाख की थी और पूरा माल 100% बरामद हुआ है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। जो वादी है उसका भाई भी इसमें सम्मिलित है, वादी भी सम्मिलित है, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं रायबरेली में स्कूल मैनेजर एसोसिएशन की तरफ से सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। स्कूल मैनेजर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा कि कोरोना काल में जहां संपूर्ण बाजार, चुनावी रैलियां, सरकारी कार्यालय सब कुछ खुला हुआ है और WHO और वैज्ञानिकों की ओर से यह भी कहा गया है कि बच्चों में कोरोना का कोई विशेष असर नहीं होगा, इसके बावजूद स्कूलों को बंद रखा गया है और 1.5 वर्षों से अधिक समय से बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा केवल शहर के कुछ विद्यालयों में ही संचालित हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या परिचय है आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट, रायबरेली स्कूल मैनेजर एसोसिएशन में मुख्य संरक्षक हूँ। आज यहाँ पर किस लिए? आज ये जो विद्यालय बंद चल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा बाधित चल रही है, उसको हम लोग खुलवाने की मांग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि विद्यालय को खोला जाए, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है, केवल शिक्षा बंद चल रही है। वहीं बलिया में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। दरअसल 25 लाख की फिरौती के मामले में पुलिस ने यह सफलता हासिल की है। बता दें कि अपहृत बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है, साथ ही फिरौती गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसे ना पहुंचने पर बच्चे को जान से मारने की दरअसल धमकी दी गई थी। इनके इस ऑपरेशन में जिसमें हमारी टीम 5 टीमें लगी थी, और मैं बताना चाहूंगा कि 5 टीमें 3 दिन में मिला करके कुल 8 से 10 घंटे ही सो पाई थी, इनको सफलता हासिल हुई और हमने अपहरित बालक को सकुशल बरामद कर लिया। और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें मुख्यतः लालू यादव जो कि जनपद मऊ के मधुबन थाने का रहने वाला है, और अटल सोनी जो कि जनपद बलिया के सिकंदरपुर थाना का रहने वाला है, इन दोनों के द्वारा और इनके अन्य एक साथी के द्वारा बच्चे को अपहरण करके लालू यादव के घर में रखा गया था, जहाँ पे उसकी 3 बहनों के द्वारा बच्चे को डरा करके रखा गया था कि वह शोर ना मचाए और कुछ ना करे।
तो उसके घर पे ही बच्चे को लगातार रखा गया था और पुलिस ने सफलतापूर्वक बच्चे को सकुशल बरामद किया और 5 लोगों को लालू यादव, अटल सोनी और लालू यादव की 3 बहनों को अरेस्ट कर लिया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कर। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर टूडला टोल के पास पोटाश से भरा हुआ ट्रक ट्रेलर से पलटने की वजह से एक भयानक उसमें आग लग गई। ट्रेलर का आधा भाग जलकर राख हो गया। मौके पर टूडला पुलिस ने जेसीबी से रास्ते को साफ कराया है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने चलते ट्रक से कूदकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और जेसीबी की गाड़ियां स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर मतदाता दिवस पर नेशनल इंटर कॉलेज में बूथ लेवल अधिकारियों ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। भारत निर्वाचन आयोग निर्देश के अनुसार मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कॉलेज में बूथ लेवल अधिकारी ने कॉलेज स्टाफ और प्रधानाचार्य के साथ मतदाताओं को शपथ दिलाई। मौके पर ब्रह्मानंद लेखपाल, BLO इमरान जावेद खान, तहसीन फातिमा आदि लोग शामिल रहे। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश मिलते हैं हम लोगों को, कल उप जिलाधिकारी महोदय ने भी एक आदेश जारी किया है कि 25 जनवरी को सभी BLO को अपने अपने क्षेत्रों में बूथ पर उपस्थित रहकर मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मतदाताओं को शपथ दिलानी है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग नेशनल इंटर कॉलेज में जितने भी हमारे BLO हैं सब उपस्थित हुए हैं और मतदाताओं को जागरूक करने हेतु शपथ का भी आयोजन किया है और यहाँ पर जितने भी शिक्षक थे उन्होंने भी शपथ ली है कि हम लोग निडरता के। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पे फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।